बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई सुल्तान जीब बुनीर और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खपल कारोबार। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मलेशिया ज़बान के कुछ अहम अल्फाज सिखाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन अल्फाज पर हम मज़ीद जुमले भी बनाए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है अपा, लेकिन इसके जो नीचे है अपा अपा, तो अपा का क्या मतलब है, फिर अपा अपा का क्या मतलब है, इसके बारे तब्दील हो जाते हैं। तो इसके बारे में हमारी आज की ये वीडियो है, बराए मेहरबानी वीडियो हमारे साथ एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है अपा, और इसके सामने हमने लिखा है अपा अपा, तो फिर अपा अपा के क्या माने हो जाते हैं और अपा का क्या मकसद है। अपा का माना है व्हाट, उर्दू में क्या। इसी तरह मलाई में जब अपा अपा आ जाता है तो इसका इंग्लिश में माना हो जाता है एनीथिंग या व्हाट एवर। इसी तरह उर्दू में इसका माना बदल जाता है कुछ भी जो भी, कुछ भी जो भी। तो एक लफ्ज़ अगर दो दफ़ा आ जाए तो मलेशिया ज़बान में इसके बारे बदल जाते हैं, आप देहात दिया करें इस तरह के अल्फाज में। इसी तरह हमारा जो अगला लफ्ज़ है स्यापा, स्यापा का माना है उर्दू में कौन और इंग्लिश में हु। इसी तरह मलय में जब स्यापा स्यापा आ जाता है इसके माने बदल जाते हैं, इसका माना हो जाता है एनी वेयर, एनी बॉडी या एनी वन इंग्लिश में। इसी तरह उर्दू में हम माना कर सकते हैं हर कोई जो भी, इसी तरह के माने हो जाते हैं। तो आप ध्यान दिया करें, जब भी एक लफ्ज़ दो दफ़ा लिखा जाता है तो उसका माना बिल्कुल बदल जाता है मलयी ज़बान में। इसी तरह मना, मना का माना है वियर यानी कहाँ। इसी तरह जब भी मना मना आ जाता है तो फिर उसका माना इंग्लिश में हो जाता है वियर एवर, और इसी तरह एनी वियर का माना हो जाता है। और उर्दू में हम इसके माना करेंगे कहीं भी जहां कहीं भी, इसी तरह के माने इसका हो जाता है मना का। इसी तरह हमारा अगला लफ्ज़ है बिला, बिला का माना है वेन यानी कब। और जब बिला बिला आ जाता है तो फिर इसका माना तब्दील हो जाता है वेन एवर या एनी टाइम। इसी तरह उर्दू में हम इसके माने कर सकते हैं जब भी आप चाहते हो या हर वक्त या जब भी जी चाहे, इसी तरह के माने हम उर्दू में फिर इसके कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मुख्तसर शान वीडियो थी, अगर इस पर आपको जुमले भी चाहिए तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में बताएं, हम इस पर मज़ीद जुमले भी बनाएंगे ताकि आप बासानी समझ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।